Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आइए हम सब जानते हैं दीर्घ संधि. दीर्घ संधि का सूत्र है अकार सवर्णे दीर्घा. नियम यदि आ ई ऊ तथा री के सामने समान स्वर आ जाए तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है. यथा आ जमा आ मिलकर के बड़ा बनता है. सत्यार्थ आइए इसमें देखते हैं कि प्रथम पद में छोटा वर्ण आ और द्वितीय पद में भी छोटा आ दो दोनों मिलकर के बड़ा सत्यार्थ आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा बना. देखते हैं हिमालया हिम जमा आलिया प्रथम वर्ण छोटा आ उत्तर पद में भी बड़ा आ मिलकर के क्या होगा हिमालय. अगला है आ बड़ा आ प्लस बड़ा आ मिलकर के बड़ा आ देखेंगे विद्यालय इसका वर्ण बड़ा आ ये बड़ा है. द्वितीय पद का प्रथम वर्ण देखेंगे ये भी बड़ा है ठीक है ना. तो मिलकर क्या हुआ विद्यालय. अगला उदाहरण है ई प्लस ई मिलकर के बड़ाई कभी प्रथम पद में देखेंगे छोटाई. देखिए ये छोटा ही है. दूसरे पद में देखेंगे ये भी छोटा ही है ये भी छोटा ही है मिलकर के बड़ाई तो क्या बनेगा कविंद्रा. अगला देखेंगे छोटाई प्लस बड़ाई मिलकर के बड़ाई. इसमें देखेंगे अंतिम पर देखेंगे छोटी छोटी बड़ी बड़ी तो क्या मिलकर के बनेगा कपीसा. इसी तरह से आप देखेंगे बड़ी प्लस बड़ी मिलकर के बड़ी तो इसमें देखेंगे अंतिम पर इसका देखेंगे बड़ी बड़ी. द्वितीय पद में देखेंगे बड़ी बड़ी मिलाकर के क्या बनेगा नदी सा. इसी प्रकार ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ाऊ. भानु प्लस उदिया इसमें हम देखेंगे अंतिम पद में छोटा ऊ है तो ये देखिए छोटा ऊ है और द्वितीय पद में देखेंगे ये ऊ है ये ऊ है ठीक है ना. इनको दोनों को मिलाएंगे तो बड़ा ऊ हो जाता है भानु दया. अगला है जैसे बड़ा ऊ प्लस बड़ाऊ मिलकर के बड़ाऊ. बधु प्लस उधर मां इसमें देखेंगे बड़ाऊ. देखिए बड़ाऊ द्वितीय पद में देखेंगे बड़ाऊ
मिलकर के क्या हो जाएगा बड़ा ऊ, इसको मिलाएंगे क्या हो जाएगा वदूत वर्ण। इसी प्रकार से और देखेंगे री प्लस री बराबर री हो जाता है, जैसे पित्र जमा ऋण। तो ये देखिए री है तो ये री जमा री, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पितृणम। आइए अब हम लोग जानते हैं ऐसी ट्रेड जिसके माध्यम से आप एग्जाम में आसानी से दीर्घ संधि को पहचान लेंगे, जो इस प्रकार है हिमालय रविंद्र कपीसा फलिंद्रा साधुक्तम सूक्ति कपीसा विद्यालय कविंद्रा भानुद्या हिमालय पुस्तकालय। अब कैसे पहचानेंगे ये देखते हैं, ये द्वितीय वर्ण देखना है, केवल द्वितीय वर्ण देखना है। देखिए आशियों तक की मात्राओं को द्वितीय वर्ण में देखना है, ठीक है, तो द्वितीय वर्ण में देखेंगे इसमें किसकी मात्रा आ रही है द्वितीय वर्ण में, बड़ा की मात्रा आपकी आ रही है, तो आप समझ गए दीर्घ संधि है। द्वितीय वर्ण में इसमें देखेंगे किसकी मात्रा आ रही है, बड़ी की मात्रा आ रही है, दीर्घ संधि हो गया। इसमें भी देखेंगे द्वितीय वर्ण में देखिए बड़ी की मात्रा आ रही है, दीर्घ संधि हो गया। इसमें भी देखेंगे इसमें भी द्वितीय वर्ण में बड़ी की मात्रा है, ठीक है, साधुक्तम लिखा हुआ है, इसमें भी हम देखेंगे किसकी मात्रा है बड़ू की मात्रा है, तो ये कौन सी संधि हुई दीर्घ संधि हुई। इसी प्रकार सूक्ति में देखेंगे द्वितीय वर्ण छोटी की मात्रा है, तो कौन सी संधि हुई दीर्घ संधि। कपीसा दूसरे वर्ण में बड़ी की मात्रा दीर्घ संधि, विद्यालय दूसरे वर्ण में बड़ा की मात्रा है, देखिए दीर्घ संधि। कविंद्रा में बड़े की मात्रा दीर्घ संधि। भानुद्या इसमें दूसरा वर्ण बड़ा की मात्रा दीर्घ संधि। हिमालय दूसरा वर्ण बड़ा इसमें दीर्घ संधि। तो आज हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि को जाना, अगली वीडियो में हम सभी स्वर संधि के अगले भेद को जानेंगे। ओके, थैंक यू।